बलरामपुर के कटिहार में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और राजवंशी समाज ने लोकसभा चुनाव में अपना मत उसी राजनीतिक दल को देने का निर्णय लिया है जो उनकी दशा सुधारने में ठोस पहल करे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजवंशी कल्याण परिषद एवं राजवंशी सुरजापुरी भाषा सेवा परिषद द्वारा विश्वदिधि में बैठक आहूति की गयी, जिसमें राजवंशी समाज के लोगों ने समाज की मुख्य धारा में शामिल होने पर विचार विमर्श किया तथा अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की। बिहार के राजवंशी को अन्य राज्यों के राजवंशियों की तरह अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिले। वही राजवंशी बहुल विधानसभा क्षेत्र में राजवंशी समर्पित पार्टी का टिकट राजवंशी समुदाय नेतृत्व करने वाले को टिकट दिया जाए। वही राजवंशी भाषा का विकास के साथ मान्यता भी मिले। तो वही चौथी मांग राजवंशी कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए राजवंशी कला संस्कृति एकेडमी बोर्ड की स्वीकृति मिले। वही पांचवी मांग राजवंशी इतिहास एवं पात्र को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करना। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने मैनिफेस्टो में राजवंशी कल्याण परिषद एवं राजवंशी सुरजापुरी भाषा परिषद की मांगों को शामिल किया जाए, उसी पार्टी को समर्थन करने का संकेत दिया। बैठक में जगन्नाथ दास, प्रमोद कुमार दास, जयप्रकाश दास आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज जो बैठक बुलाए हैं इसका मेन क्या उद्देश्य है, आप लोगों का क्या डिमांड है? हाँ, आज का बैठक में हम लोग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक बुलाए हैं। हम लोग के 5 सूत्रीय मांग है कि राजवंशी को अन्य राज्यों के भांति या ST का दर्जा दिया जाए। दूसरा नंबर, जो राजवंशी विधानसभा बहुलक क्षेत्र है उसको हम लोग का राजवंशी समुदाय के कैंडिडेट दिया जाए। राजवंशी कला भाषा का विकास के लिए एक वोट किया जाए। और राजवंशी जैसे इतिहास के जो हम लोग तो महान व्यक्ति थे उनके पाठ्यक्रम में लागू किया जाए और हम लोग का संरक्षण किया जाए। अच्छा सर, आज का जो ये बैठक है ये किस उद्देश्य के लिए आप लोग बैठे हैं यहाँ? आज का बैठक श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए है, जो कल जो है सिलीगुड़ी में जो कार्यक्रम हुआ उनका सभा में जो है वो बोले जो राजवंशी समाज के लिए जो है अच्छा कुछ सोचने वाले हैं। तो राजवंशी के लिए जो है हम लोग बहुत दिन से एक आंदोलन चला रहे हैं जो इस क्षेत्र में कटिहार, किशनगंज और जो राजवंशी है इस क्षेत्र में, इन सभी राजवंशियों को जो है ST का दर्जा दिया जाए। तो उसी मांग के निमित्त हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और उस मांग के निमित्त और कुछ हम लोग का मांग था जो अपने राजवंशी समाज को यहाँ देसिया और पुलिया कोच जो है इनको ST का दर्जा दिया जाए। और विधानसभा जो है अपना इसमें जो है राजवंशी बहुल क्षेत्र है, इसमें भी जो है राजनीतिक दलों को मद्देनज़र रखते हुए इस राजवंशी समाज का विधानसभा में जो है राजवंशियों को जो है आरक्षण के संबंध में सोचना चाहिए। और फिर राजवंशी भाषा का विकास के लिए सरकार को कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। राजवंशी कला अपना जो एक राजवंशी इतना बड़ा क्षेत्र है इसमें कला और संस्कृति का बहुत महत्व है। राजवंशी का एक इतिहास है, इस इतिहास को जो है सरकार जो है राजनीतिकरण करके जो है उसको धूमिल कर रही है, उसको जो है उसके उत्थान के लिए कुछ न कुछ सोचे। और मैं इस सभा के माध्यम से श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारे समाज के लिए जो है कुछ अच्छा सोचा है। अपने यहाँ के सांसद में जो अपना लोकसभा के सदस्य के रूप में जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं मोदी जी के पक्ष में, हम लोग उनके समर्थन में काम करेंगे और हम लोग आशा करते हैं जो हम लोग के मांगों को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ आगे चल करके केंद्र में जो है उनका मांग को पूरा करने का प्रयास करें। अच्छा सर, कल तो मोदी जी सिलीगुड़ी में सभा में ये बात बोले, हाँ ये तो पश्चिम बंगाल और असम के बारे में बोले, तो क्या बिहार में भी राजवंशी यहाँ कितने मतलब जनसंख्या में है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कटिहार, किशनगंज, अररिया और ये तीनों जिला मिला करके लगभग जो है लगभग 10 लाख के करीब जो है जनसंख्या है, 10 लाख के करीब जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या की लगभग मान लीजिए कोई विधानसभा अगर हो तो उस विधानसभा में लगभग 50 अगर हिंदुओं में से देखें तो 50% जो है राजवंशी ही जनसंख्या देखा जाता है।
तो इस तरह से लगभग जो है 10 लाख के करीब जो है जनसंख्या इस क्षेत्र में हम लोग का है। और कटिहार में सर कितना है? कटिहार में मोटा मोटी 1 लाख से 1.5 लाख के करीब जो है जनसंख्या अपना राजवंशी का है। थैंक यू। आपका नाम सर, परिचय? कुमुद रंजन, सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जगन्नाथ की रिपोर्ट, बलरामपुर। दिल्ली से जीत कर लौटे सांसद संतोष चौधरी आज जलंधर के। सांसद चौधरी संतोष सिंह दिल्ली से टिकट लेकर वापस आए तो जलंधर वासियों ने उनका पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन पर समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही चौधरी जी गाड़ी से बाहर आए तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से स्टेशन गूंज उठा और जनता ने चौधरी जी को सर आंखों पर बिठा लिया। इस अवसर पर चौधरी जी की पत्नी ने कहा कि इस बार हमारी पार्टी पंजाब की सभी सीटों पर जीत प्राप्त करेगी। और इस अवसर पर चौधरी जी आए हुए सभी पार्टी वर्कर्स को धन्यवाद दिया और उन्होंने रोड शो निकाला। इस दौरान नॉर्थ हल्के के विधायक बाबा हिंदी, विधायक राजेंद्र बेरी, कांग्रेस प्रधान बलदेव सिंह दिवादी लोग मौजूद रहे। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹੇ। ਟੀਵੀ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया पश्चिम चंपारण के प्राचार्य से जिला ब्यूरो प्रमुख प्रकाश श्रीवास्तव ने एक शिष्टाचार मुलाकात की, जहां पर टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल के विषय में जानकारी देते हुए समाचार संकलन के सहयोग की अपेक्षा जताई। द चैनल की सफल व निरंतर सफलता के लिए साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज का संक्षिप्त ब्यौरा दिया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत में काफी महत्वपूर्ण है, बिना मीडिया के तो आदमी चल ही नहीं सकता है। मीडिया से लोगों को काफी मैंने न्याय और सभी तरह की मैंने समस्याओं का समाधान मीडिया के द्वारा जो है बहुत आसानी पूर्वक होता है। मीडिया के लोग भी मैंने काफी लगनशील और मेहनती होते हैं, जिसके कारण जो है हर लोगों की तकलीफ, हर लोगों की मैंने समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह से मैं जो टीवी इंडिया न्यूज जो लॉन्च हो रहा है हिंदुस्तान में, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, यह सक्सेसफुल हो और जनता के बीच प्रचार प्रसार हो और लोग इससे लाभ उठा सकें। बेतिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2013 से मेडिकल कॉलेज जो है तो चल रहा है। फर्स्ट बैच जो है 2013 में एडमिटेड हुआ है और उसका 2 बैच जो है तो डॉक्टर बन चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और सरकार के मैंने काफ़ी इस पर अटेंशन है और काफ़ी तेजी से जो है इसका विकास हो रहा है। यहाँ बहुत सारी सुविधाओं का मैंने ये भी उपलब्धता है, यहाँ सिटी एक्सप्रेन, CSSD, ICU, इस सब का जो है सो क्योंकि अभी नया बिल्डिंग में ही सब बनना है, इसके बाद भी हम लोग अलग से बनाए हुए हैं कि जनता को दिक्कत नहीं हो। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, इस सब की सुविधा यहाँ प्रदान की जा रही है। तो बहुत ही डेवलप लाइब्रेरी भी यहाँ गवर्नमेंट का जो है सो कृपा से बना हुआ है, काफी बच्चों के लिए काफी रिच लाइब्रेरी है यह बिहार का। और यहाँ के बच्चे भी काफी मेधावी हैं। फर्स्ट बैच में जो है सो 13 बैच के जो बच्चे पास किए हैं उसमें से 15 बच्चा जो ऑल इंडिया PG में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। इस तरह से फर्स्ट में तो काफ़ी कठिनाई होती है इन स्पाइक ऑफ डेट, यहाँ बच्चों ने अच्छा किया है और 15-15 बच्चों का जो PG में हुआ है यह भी गौरव की बात है। बेतिया की धरती के लिए यह बहुत काफ़ी रिमोट एरिया में है, यहाँ की जनता के लिए कि यहाँ नेपाल से भी बहुत लोग आते हैं, अगल बगल से भी, जो कि यहाँ शिक्षा का कम प्रचार प्रसार था। हालांकि धरती तो काफ़ी उर्वरक रहा है कि आज़ादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुआ, महात्मा गांधी ने यहाँ से अपने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इसके बाद भी, इसके बावजूद भी बेतिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसमें जो है एक वरदान के रूप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ है और
अभी जो हमारी जो लार्सन एंड टर्बो कंपनी इसको बना रही है, 600 करोड़ के प्रोजेक्ट है और उन्होंने कहा है कि जुलाई 2020 तक हम इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देंगे। तो मैं आप लोगों से यही कामना करता हूँ कि इसके प्रचार प्रसार में थोड़ा ये किया जाए और इसको जो है सो उन्नति की ओर जाए, इसलिए आप लोग जरा इस पर लोगों के बीच जनता के बीच इसका हो कि यहाँ पर सभी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सभी तरह की दवाएं, सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ आए और अपना स्वास्थ्य लाभ करें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार।